किसी भी प्रकार की देवीय उपासना में, विशेष रूप से नवरात्रि के दिनों में साधक दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, निर्वाण मंत्र को सिद्ध करता है, या महाविद्याओं की उपासना करता है, या देवीय बीज मंत्रों की उपासना, उन मंत्रों को सिद्ध किया करता है। मगर उससे पूर्व इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि देवी का आवाहन कर्म किया जाना आवश्यक है। चाहे आप अपने घर के एकांत कक्ष में साधना कर रहे हो, चाहे किसी देवालय में देवी के मंदिर में बैठ करके साधना मंत्र जप कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, आवाहन कर्म किया जाना अति आवश्यक माना गया है। विशेष रूप से आवाहन मंत्र का बोलना ध्यान करना अति आवश्यक है, जिससे ही दुर्गा माता अपनी सभी परिचारिकाओं के साथ में साधक की समस्त समस्याओं का समाधान करती है और उसकी उपासना का उचित फल उस साधक को प्रदान करती है। देवी का आवाहन इस प्रकार है। ओम ध्यात्वा कालिम महामायाम त्रिनेत्राम बहुरूपिणीम चतुर्भुजाम लोल जिह्वाम पूर्णचंद्र निभाननाम नीलोत्पलदल श्यामाम शत्रु संगमिदारणिम नरमुंडम तथा खड्गम कमलम वरदम तथा विभ्राणाम रक्तवसनाम गोरद्रष्टा स्वरूपिणीम इति ध्यात्वा महादेवीम जपकार्यम करो तुम्हें। इस प्रकार से देवी का आवाहन मंत्र बोलने के पश्चात ही मंत्र साधना आरंभ करनी चाहिए। चाहे आप किसी प्रकार की देवी उपासना कर रहे हैं, किसी प्रकार की नमाण मंत्र का जप कर रहे हैं, या किसी महाविद्या का जप कर रहे हैं, या किसी देवी के बीज मंत्र का जप कर रहे हैं, ते कर्म करना आवश्यक माना गया है। धन्यवाद।